हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में अपने पास है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर N160। अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये बाइक अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छे जो फीचर्स ऑफर करती है, एंड क्या मतलब आपको यहाँ पर फीचर्स के अंदर मिलेंगे, क्या प्राइस मिलने वाली है, एंड कितनी आपके लिए सही रहने वाली है, सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बाइक की लुक को चेकआउट करो, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन मिल जाता है, नेकेड डिज़ाइन के अंदर में ये बाइक आने वाली है, तो काफ़ी सही लगती है देखने में। फ्रंट में आपको यहाँ पर फुल LED जो है हेडलैम्प मिल जाता है, प्रोजेक्टर यहाँ पर आपको मिलता है बीच में, जिसका थ्रो काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर DRLs हैं, ग्राफिक्स वगैरह कुछ ऐसे मिलते हैं। डुअल चैनल ABS मिल जाता है आपको इस बाइक के अंदर में। फ्रंट में इसके अंदर में 280mm की डिस्ब्रेक आती है, रियर में आपको 230mm की डिस्ब्रेक मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 5-speed गियरबॉक्स सिस्टम मिल जाता है, एंड यहाँ पर अगर आप चेकआउट करो तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे USD सस्पेंशन फ्रंट में मिल जाते हैं। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप मिलता है, एंड 14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है, जिसके ऊपर में कुछ ऐसे ग्राफिक्स आपको मिलते हैं, एंड E20 कंपेटेबल ये मोटरसाइकिल रहने वाली है। बाकी मीटर आपको चेकआउट करा दूँ तो पूरा डिजिटल आपको मीटर मिल जाता है इसके अंदर में। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसा कि कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, एंड जितने भी ब्लूटूथ के फीचर होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, RPM मीटर, एंड यहाँ पर आपको चेक इंजन के साथ में ABS की लाइट, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके फीचर मतलब काफ़ी अच्छे मिलते हैं। स्विचेस यहाँ पर आप देख सकते हो, पासिंग है, मोड का स्विच है, 3 मोड मिलते हैं, रेन, रोड, ऑफ रोड करके। उसी के साथ में यहाँ पर USB पोर्ट मिलेगा अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो चीज़ें काफ़ी सही हैं। बाकी यहाँ पर आपको स्पीड सीट्स मिल जाती हैं, कंफर्ट काफ़ी अच्छा इनके अंदर में आपको मिलेगा। N160 की बैजिंग है, एंड रियर से भी आप प्रॉपर जो डिज़ाइन है बाइक की चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसी आपको मिल जाती है। रियर में आपको 130/70 सेक्शन का टायर मिलता है, एंड फ्रंट में आपको 100/80 सेक्शन का टायर मिल जाता है। बाकी अगर आप चेक करो तो कुछ यहाँ पर ओपन चेस्ट कवर कुछ ऐसा है, एंड ये आपको जो टैंक के ऊपर फिनिश है ना, यहाँ पर ग्लॉस एंड मैट ब्लैक के आपको स्टिकर वगैरह भी मिल जाते हैं। एंड इंजन के बारे में बात करें तो इसके अंदर में आपको मिलता है 164.82 cc का एक ऑयल कूल्ड 4-stroke 2-valve इंजन, जो कि आपको इसके देता है 16 PS का पावर 14.65 Nm टॉर्क के साथ में। तो पावरफुल इंजन रहने वाला है इसका, एंड ओवरऑल जो डिज़ाइन है कुछ ऐसी आपको मिल जाती है। उसी के साथ में इसके अंदर में आपको 795mm की सीसाइड मिल जाती है, 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो अगर मतलब आपकी हाइट कम भी है तो भी आप इसको बड़े आराम से राइड कर सकते हो। एंड ब्लैक कलर के अंदर में ना ये बाइक काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। इसका प्राइस आपको मिलता है 1,74,000 rupees का ऑन रोड कानपुर के अंदर में। बाकी आपको N160 अपने सेगमेंट में कैसी लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसी के साथ ही साथ आपका कोई डाउट रहेगा इस बाइक से रिलेटेड वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी के साथ ही साथ शोरूम एड्रेस भी आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप आगे इस बाइक को परचेज वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, मतलब जो चीज़ें यहाँ पर N160 ऑफर करती है वो मैंने इस वीडियो में बताई है आपको। कुछ भी अगर आपको इस वीडियो में पसंद ना पसंद आया हो तो वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड आप अगर चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।